नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया तथा सामाजिक जगत, राजनीति तथा अपराध जगत की खास खबर। काले कपड़े में चेहरा ढके हुए जिस आदमी को आप देख रहे हैं, ये वो सातिर अपराधी है जिसके दिमाग में एक अपराधी बैठ गया है और पेशेवर होकर अपराध को मुंबई के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अंजाम देता रहता है। इस अपराधी की मंशा भी काली और करतूत भी काली। इसकी काली करतूत के चलते बड़ाला टीटी पुलिस स्टेशन ने उस वक्त गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जब इसने 11 मार्च को श्रीमती सुनीता हिंदूराव पाटिल की उस वक्त उनके गले से सोने की चैन लूट ली जब वह प्रतीक्षा नगर में बीएमसी स्कूल के सामने अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। तभी इस युवक ने चेन लूटने की हिमाकत कर मोटरसाइकिल से फरार हो गया। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विद्यासागर काल कुंडरे के सामने इस मामले के पर्दाफाश की अब चुनौती थी। उन्होंने इस मामले में एपीआई भास्कर यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाई और फलस्वरूप एक सप्ताह के अंदर घटना का पर्दाफाश किया जिसमें सातिर अपराधी सोएब अब्दुल मतीन शेख को गिरफ्तार कर पूरे घटना का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी पर इसके अलावा गोवांडी जोगेश्वरी बासी में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस और अधिक इसकी जांच कर रही है। बहरहाल बड़ाला टीटी पुलिस का सातिर अपराधी को पकड़कर जेल पहुंचाना एक सप्ताह के अंदर सफल प्रयास है। और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं।